पुरुष, सॉरी दो पुरुष और तीन लड़के, दो पुरुष या तीन लड़के, दो पुरुष या तीन लड़के एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में कर सकते हैं। तो छह पुरुष और एक लड़का, तो छह पुरुष और एक लड़का, छह पुरुष और एक लड़का उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। ये उसी कागज लगाना है, अगर आप लगा लेंगे ठीक है, नहीं लगा पाएंगे तो हम बताएंगे आपको। हाँ लगाइए, नहीं लगा पाएंगे फिर हम सॉल्व करते हैं। दो दो पुरुष माने दो मेल बराबर तीन बॉयज, क्या दिन में पढ़ाते हैं? हाँ चलिए बीस दिन में, छोड़िए आते हैं अब। दो माने बराबर तीन बॉयज, उसके बाद क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन, ये तो सीधा तक साठ में दिया ही है। छह पुरुष प्लस एक लड़का, देखिए ये तो सबको लड़का बनाइए, सबको पुरुष बनाइए, क्या करें बताइए, पुरुष बनाए लड़का। लड़का बना दे, जब छह लड़के बराबर, जब दो मने बराबर तीन लड़का, तो छह मने बराबर, इसको ऐसे करेंगे देखिए, एक मने बराबर तीन बटे दो बॉयज, ठीक, एक घुड़े में तो चला बटे में ना, एक मने बराबर तीन बटे दो माने डेढ़, एक मने बराबर डेढ़ लड़का ना। अब क्या कह रहा है कि छह मेल एक बॉयज, छह मेल एक मेल बराबर तीन बटे दो बॉयज, तो छह मेल बराबर छह गुड़े तीन बटे दो बॉयज प्लस एक बॉयज, दो तिहाई छह, तीन गुड़े तीन प्लस एक, नौ प्लस एक, कुल हो गया दस बॉयज, ठीक दस बॉयज हो गया। चलिए दस बॉयज कैसे निपटाते हैं, अब यहां आते हैं। पहले क्या था, तीन लड़के 20 दिन में, तो 10 लड़के यक्ष दिन में, 10 एक का 10, 10 दूनी 20, 3 गुणे 2 बराबर यक्ष, यक्ष बराबर 6 दिन, ठीक, यक्ष बराबर 6 दिन, ठीक है। 45 आदमी एक काम को 43 दिन में पूरा करते हैं, 45 आदमी एक काम को 43 दिन में पूरा करते हैं, 45 आदमी एक काम को 43 दिन में पूरा करते हैं, 43 नहीं चलिए लिख ले, ठीक ठीक कोई बात नहीं, 43 दिन में पूरा करते हैं, तो बताइए कि एक सौ उनतीस आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, 129 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। सॉल्व करिए, इसका उत्तर बताइएगा आप लोग, शायद संभवतः 15 दिन आएगा, देखिए कितना आता है, ठीक आप लगाइए, फिर नहीं आता फिर हम बताते हैं, ठीक है, शेयर भी मार दीजिए सबको। क्वेश्चन क्या बोला गया था कि 45 मने या 45 आदमी एक काम को, 45 आदमी एक काम को 43 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो यक्ष कितना, 129 आदमी उसे यक्ष दिन में पूरा करेंगे, 43 एक का 43, 43 तीन दो 129, तीन से काटेंगे तो 15, तो यक्ष बराबर 15 दिन, गुड़े में अंश अंश हर हर से कट जाता, जैसा कि मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, एक नल 640 लीटर, एक नल 640 लीटर की टंकी भरने में 10 घंटे का समय लेता है, एक नल 640 लीटर की टंकी भरने में 10 घंटे का समय लेता है, क्या घंटे का, 10 घंटे का समय लेता है,
यदि उसी टंकी को आठ घंटे में भरा जाए तो दूसरे नल से प्रति लीटर कितना घंटा पानी भरा जाएगा, प्रति घंटा कितना पानी भरा जाएगा। क्वेश्चन रिपीट करते हैं। एक नल एक टंकी को 640 लीटर प्रति घंटा की दर से 10 घंटे में भर देता है, उसी टंकी को दूसरा नल 8 घंटे में भरने के लिए प्रति घंटा कितनी चले या कितना पानी दे या कितना पानी भरे ताकि टंकी भर जाए। हाँ, इसको लगाइए, सॉल्व करिए, नहीं आता फिर हम बताएंगे। ये भी M1 D1 T1 पे ही लगेगा, ठीक। W2 देखिए लगे कैसे, बहुत ही आसान इसको लगाना। कह रहा है क्वेश्चन की 640 लीटर प्रति घंटे की दर से एक टंकी को कितने देर में भर रहा है, 10 घंटे में भर रहा है, उसी टंकी को दूसरा नल 8 घंटे में भरना है, कितना भरे प्रति घंटे 100 लीटर, 8 से काटेंगे, 8 अठे 64 80, 80 गुणे 10 बराबर 100, तो 800 लीटर प्रति घंटा उत्तर, ठीक। एक क्वेश्चन और लिखिए, उसके बाद लगभग मामला खत्म। एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिन की भोजन सामग्री है। एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिन की राशन सामग्री है। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले जाएं, 200 छात्र बाहर चले जाएं, तो भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी। इसको सॉल्व करिए, लगाइए, नहीं आता तो हम बताते हैं, ठीक। हो सके प्रयास करिए इस वीडियो को शेयर कर दिए ताकि और लोगों तक पहुंच जाए, जिन लोगों तक अभी तक नहीं पहुंचा है, प्रयास करिए आप लोग भी। लग गया, अगर ये सवाल अगर आपने लगा ली इसका मतलब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर, बहुत ही आसान है। देखिए क्या कह रहा है, हाँ देख रहे हैं ना, 300 लड़के की भोजन की सामग्री 15 दिन के लिए थी, बराबर अवकाश कारण कितने चले गए, बचे कितने 100, तो 100 गुड़े कितना दिन खाएंगे, यक्ष दिन, दो लड्डू कट गए, इधर बचा 3 गुड़े 15 बराबर यक्ष, तो 45 दिन, बस खत्म कहानी। अब इसी पे हम लोग रेलगाड़ी वाले चाल वाला भी पढ़ लेते हैं, एकदम आसानी टाइप क्वेश्चन खत्म। और सबसे बड़ी बात है कि थर्ड सेमेस्टर अगर आप पढ़ रहे हैं तो हो सकता है इसी में से कोई क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि वो SCERT से पढ़ाते हैं, हम भी SCERT से लगवा रहे हैं आपको, हो बहु क्वेश्चन पूछ दें, क्योंकि पिछली बार पूछे थे 7 से 8 क्वेश्चन हो बहु पूछा गया है। आगे बढ़ा जाए, अब चाल समय दूरी से भी संबंधित लगा लीजिए क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन लिखिए, शीला 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शीला 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने विद्यालय 20 मिनट में पहुंचती है। उसे 15 मिनट में पहुंचने के लिए किस चाल से चलना होगा। तो सबसे पहली बात, पहली बार तो ये पता है कि शीला कहाँ जाती है, घर से स्कूल जाती है, किस चाल से चलती है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चला के जाती है, कितने देर में पहुंचती है, 20 में पहुंचती है। दूसरी बार क्या पूछा है, यदि उसे कितने देर में पहुंचना हो, 15 में पहुंचना हो, तो चाल क्या होगा, बढ़ाना होगा, कितना बढ़ाना होगा नहीं पता, तो चाल क्या निकालना है,
चाल, चाल बराबर दूसरी कंडीशन में निकालना है कि चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी दिया ही नहीं है, तो पहली कंडीशन में दूरी निकालेंगे। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल दिया किलोमीटर प्रति घंटा में 12, समय दिया 20 मिनट, इसे बदल लें घंटे में, बटे 60 से भाग दे देंगे। 12 × 1 = 12, 12 × 5 = 5, 5 × 5 = दूरी हो गई 4 किलोमीटर। क्योंकि हम जानते हैं जब किलोमीटर प्रति घंटा में तो घंटा होना चाहिए, तो कितनी हो गई 4 किलोमीटर की दूरी है उसके घर से, उसका स्कूल है, उसका विद्यालय। ठीक, अब क्या करेंगे, अब दूरी पता हो गई, अब निकालना दूसरा चाल। तो चाल बराबर दूरी कितनी होगी 4 किमी, समय कितना करें 15 मिनट, तो 15 मिनट को घंटा में बदलेंगे कितना हो जाएगा, अगर 15 मिनट को हम घंटे में बदलेंगे तो 15/60, 15 × 60 1/4 घंटा, तो हो जाएगा 1/4 घंटा, 4 पॉइंट के ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 × 4/1 = 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसकी जो अपनी चाल होगी वह 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए। ठीक, ये पहले दूरी निकालेंगे फिर हम चाल निकालेंगे। ठीक, समझ में आया। कोई समस्या? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अड़तालीस किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर निधि एक दूरी 10 घंटे में तय करती है। निधि एक दूरी 10 घंटे में तय करती है, 10 घंटे में तय करती है। वह उसी दूरी को 8 घंटे में तय करने के लिए किस चाल से चले। 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर निधि एक दूरी को 10 घंटे में तय करती है, उसी दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर किस चाल चले कि उस दूरी को 8 घंटे में तय कर ले। यहाँ पर सेम कंडीशन है, सेम टाइप है, आप शायद तो लगा सकते हैं। चाल पूछा है लास्ट में, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी दिया नहीं है तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी कितनी है, चाल कितनी है 48, समय कितना है तो 480 किलोमीटर दूरी होगी। ठीक, अब क्या निकालना है, नई चाल। तो नई चाल बराबर स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस हो गया 480, टाइम 8 घंटा लेना है, 8 × 6 = 48 तो 60 किलोमीटर प्रति हावर्स। 480 कहाँ से है, पहले दूरी निकालेंगे। दूरी बराबर चाल गुणे समय, कि बिना दूरी के हम चाल निकाल ही नहीं सकते ना, कि हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी चाहिए, दूरी पता नहीं है। ठीक, दूरी कितनी आई 480, चाल नहीं, चाल कितनी आई 60, कैसे आई, हाँ किसका भाग देंगे। ठीक, हो गया। एक मोटर कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 3 घंटे में पहुंचती है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 3 घंटे में पहुंचती है, दूरी निकालेंगे 120 किलोमीटर। यदि वह
30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो, यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो कितना समय लगेगा? 4 घंटे, 120/30, 3×4 4 घंटे। सेम पैटर्न लगाएंगे, अलग जाएगा। सेम पैटर्न पर आप लगाएंगे, लग जाएगा। क्या निकालना है? समय निकालना है पहले में। समय कैसे निकलेगा? समय बराबर दूरी बटे, दूरी पता नहीं है, पहले दूरी निकालेंगे। दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितना है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना लग रहा है? 3 घंटे। दूरी हो गई 120 किलोमीटर। फिर क्या निकालना है? समय, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस 120 किमी, स्पीड 30 किमी पर आवर्स। 0 0 कट गया, 3×4 4 घंटे। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट भी रख लीजिए अगर आपको दिक्कत हो तो। एक क्वेश्चन आप लिखिए, इसका लगाइएगा। कैसे लिखिएगा? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक व्यक्ति 5 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करता है। कितना? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करता है। दूरी हो जाएगी 4×5=20, 200 किलोमीटर। फिर कह रहा है, यदि वह 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो, यदि वह 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो, चाल से चले तो कितने समय में वो पहुंचेगा? दूरी 200 है, 4×25 है 8 घंटा, तो कितने समय पहुंचेगा? ये आप लोग खाली क्वेश्चन पढ़ते ही लगा लेंगे, कोई जरूरत नहीं पेन कॉपी उठाने की, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। बस दूरी निकालेंगे, दूरी बराबर चाल गुणे समय, फिर समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी 200, 4×25 आ गया। बहुत तेज आए आप लोग। इस लिंक को शेयर कर दीजिए जो भी आपके पास ग्रुप हो, ताकि उनमें भी पहुंच जाए। और ऑनलाइन क्लास भी उपलब्ध है, नोट्स भी उपलब्ध है, उसके लिए आप 6306344367 पर CTET, UPTET, SuperTET सभी के नोट्स ऑनलाइन क्लास दोनों उपलब्ध हैं। यदि आपको लगता है बेहतर, आपका मोस्ट वेलकम है। ठीक, और इलर्निंग विद दुर्गेश फेसबुक पेज है, वहाँ भी जाके आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे भी दुर्गेश सर सर्च करके भी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। हो गया, आगे बढ़ा जाए। चलिए एक क्वेश्चन और लगा, उसके बाद ये ख़त्म आज का। हाँ, ये भी हो गया। चलिए एक क्वेश्चन काफ़ी लंबा, उसको लिखिएगा। एक चींटी की लंबाई 5 मिलीमीटर है, 4 मिमी। एक चींटी की लंबाई 4 मिमी है, एक चींटी की लंबाई 4 मिमी है, 4 मिमी, मिलीमीटर कहते हैं जिसे, 4 मिलीमीटर है। एक टिड्डे की लंबाई 4 सेमी है, एक टिड्डे की लंबाई 4 सेमी है, दोनों का अनुपात 4 मिमी है, माने 4 मिलीमीटर अनुपाते 4 सेंटीमीटर। ठीक, दोनों की यूनिट बराबर है, दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए? तो बराबर कैसे करेंगे? या तो दोनों को मीटर बदले, या दोनों को सेंटीमीटर में। कौन छोटा है तो उसी में हमेशा छोटे बदलते हैं। तो हम जानते हैं चूंकि 1 सेमी इक्वल टू 10 मिमी, तो 4 मिलीमीटर हो गया अनुपात। इसको सेमी को बदलेंगे मीटर में, इंटू
मिलीमीटर। तो 4 मिलीमीटर अनुपात 4 दाम में 40 मिलीमीटर से मिलीमीटर कट गया, 4 एक के 4, 4 दाम में 40, 1:10 एक अनुपात 10 के अनुपात में। एक चुट्टी की लंबाई 4 मिलीमीटर था, टिड्डे की लंबाई 4 सेमी है, और इसमें पूछा टिड्डे और चींटी की लंबाई का अनुपात। टिड्डे और हमने क्या निकाला था, चींटी अनुपात टिड्डा। अब वो पूछे टिड्डा अनुपात चींटी, तो पलट दीजिए 10:1, वो पहले टिड्डा पूछ दी। अच्छा इसे ग्रास कूपर कहते हैं टिड्डा को ना, हाँ वो थोड़ी अंग्रेजी कम आती है, इसे आंट कहते हैं, इसे ग्रास कूपर कहते हैं। ये हो गया, आगे लिखिएगा। घर में पाई जाने वाली छिपकली की लंबाई 20 सेमी है, घर में पाई जाने वाली छिपकली की लंबाई 20 सेमी है, घर में पाई जाने वाली छिपकली की लंबाई कितनी है, 20 सेमी है, तथा नदी में पाए जाने वाली मगरमच्छ की लंबाई 4 मीटर है। 420 80 देखा, मगरमच्छ की लंबाई 4 मीटर है। ठीक, तो मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई का अनुपात क्या होगा, तो मगरमच्छ और छिपकली के लंबाई का अनुपात क्या होगा, पहले छिपकली लिख लेते हैं। छिपकली अनुपाते मगरमच्छ, छिपकली कितना है 20 सेमी, मगरमच्छ 4, छोटा कौन है सेमी, मीटर को सेमी बदल लेंगे, चूंकि हमें क्या जानते हैं, चूंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेमी, इसलिए 20 सेमी यही है, ये हो जाएगा 20 सेमी, ये 4 मीटर को बदल लेंगे सेमी, 4 × 100 सेमी, ये हो जाएगा सेमी सेमी कट गया, ये हो जाएगा 20, 4 दाम में 400, 0 0 कट गया, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 = 20, 1:20। ठीक, ये 1:20 क्या, छिपकली इंटू मगरमच्छ, और पूछा है मगरमच्छ अनुपात है, तो पलट देंगे, ये हो जाएगा, अगर मगरमच्छ अनुपात है, क्रोकोडाइल कहते हैं ना, छिपकली क्या कहते हैं, अच्छा लिजर्ड, तो हाँ अच्छा लिजर्ड, तो हो जाएगा क्रोकोडाइल अनुपात है लिजर्ड, तो ये हो जाएगा अनुपात चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 20:1। ठीक, ये हो जाएगा 20:1, पलट जाएगा, मतलब जिसका पूछेगा वो पहले हो जाएगा, सीधी सी बात। बस इसमें पूछा है लास्ट में, और टिड्डे और चींटी की लंबाई का अनुपात मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई के अनुपात में समानुपात है, मतलब दोनों के लंबाइयों के अनुपात में क्या समानुपात है, हाँ चेक कर लीजिए, चेक कैसे करते हैं, पहला कितना आया था 10:1 ना, नहीं 10:1 समानुपात 20:1, देखिए ये 10 × 2 नहीं है, बायपद गुणनफल माने 10 × 1 = 20 × 1, तो 10 = 20 नहीं है, समानुपाती पद में नहीं। ठीक, आज एक साथ खत्म, कल हम लोग शुरू करेंगे परसेंटेज, आप लोग तैयार कर लीजिएगा इतनी वीडियोज, और सबसे बड़ी बात ये कि अगर यहाँ से प्रश्न आएगा तो बहुत पूछ सकता है, क्योंकि वो SCRT से बना, तो सारे क्वेश्चन मैंने SCRT से लगवाए हैं, गणित जो राज्य सरकार की है। इस वीडियो लिंक को शेयर कर दीजिएगा अन्य सभी के पास, ताकि उन लोग तक भी पहुँच जाए और वो लोग कर पाएँ कि गणित मानने के लिए कठिन है, लेकिन वास्तव में उतनी कठिन नहीं जितना हम आप समझ लेते हैं। ठीक, चलिए शेयर कर दीजिएगा सभी को, और ऑनलाइन क्लास उपलब्ध है, और टेलीग्राम और फेसबुक का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।